उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मैसेज ने मारपीट करवा दी। पड़ोस में रहने वाले दो पक्षों के बीच गोली चलवा दी। गोली लगने से दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दोनों घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहले मैसेज और फिर मारपीट का ये मामला आगरा के थाना बमरौली कटारा क्षेत्र का है। बमरौली कटारा में एक गांव है समोगर। गांव में दो परिवार रहते हैं। एक परिवार की बेटी को दूसरे परिवार के युवक ने मैसेज कर दिया। बार बार मैसेज करने पर युवती ने जानकारी अपने भाई को दे दी। बहन को मैसेज भेजे जाने की जानकारी होने पर युवती के भाई रानू का खून खौल गया। रानू ने पड़ोस में रहकर मैसेज भेजने वाले पिंटू को रास्ते में घेर लिया। रानू ने पिंटू के साथ मारपीट कर दी। पिंटू अपने घर पर पहुंचा और मारपीट की जानकारी परिवार के लोगों को दी। इसके बाद पिंटू के परिवार के लोग एकजुट होकर रानू के घर पहुंच गए। उन्होंने रानू के साथ मारपीट शुरू कर दी। रानू की चीख पुकार सुनकर रानू के परिजन भी लामबंद हो गए। हाथों में लाठी डंडे लेकर मैदान में आ गए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में गोली चल गई। एक गोली लड़की के भाई रानू को लगी है, जबकि दूसरी गोली युवक पिंटू को पिता हरि सिंह को लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को घटनास्थल पर एक बंदूक भी मिली है। पुलिस मामले में कार्यवाही करने में जुट गई है। पुलिस उपायुक्त आगरा पूर्वी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। गोली लगी, क्या पूरा मामला? समोगर गांव में आज सुबह सूचना मिली थी कि दो पक्षों में विवाद हो गया है, फायरिंग भी हुई है। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी की गई। जो भी घायल थे उनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभी उनका उपचार चल रहा है और बाकी इनसे जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अभी पंजीकृत किया जाएगा। दोनों पक्षों से मजरूह हैं, दोनों पक्षों से टोटल व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए हैं। उसके आधार पर तहरीर के आधार पर अभी विधिक कार्रवाई की गई। सर, वीडियो वायरल हुआ है, उसमें हथियार दिख रहे हैं। क्या हथियार है? असला अवैध है क्या? एक असला लाइसेंस ही मिला है। बाकी असलों की जानकारी की जा रही है कि किन बाकी असलों का भी लाइसेंस है इनके पास में या नहीं। अभी तक एक की जानकारी हुई है कि वो लाइसेंस ही असला है। सर, जो फायरिंग हुई है क्या लाइसेंस से हुई है या फिर अवैध से हुई है? ये जानकारी की जा रही है, ये अभी स्पष्ट नहीं है कि किस असले से फायरिंग हुई।